गदरपुर नगर पालिका में पालिका अध्यक्ष गुलाम गौस की अध्यक्षता और अधिशासी अधिकारी हरचरण सिंह की मौजूदगी में बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें सभासदों ने जल भराव, सेग्रीगेशन और कोविड-19 के अलावा विकास कार्यों पर चर्चा आरंभ करने की बात कही, जिससे नाराज पालिका अध्यक्ष गुलाम गौस ने बैठक समाप्त करने की घोषणा कर दी, जिसके बाद 11 में से 8 सभासदों ने पालिका अध्यक्ष गुलाम गौस द्वारा अपनी मनमर्जी करने के साथ साथ कई गंभीर आरोप लगाते हुए नगर पालिका गेट के सामने जमकर नारेबाजी हंगामा करते हुए पालिका अध्यक्ष का पुतला दहन किया। साथ ही अधिशासी अधिकारी को पत्र देकर दोबारा बैठक करने की मांग की। इस दौरान हंगामा कर रहे सभासद ने नगर पालिका अध्यक्ष गुलाम गौस पर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि 5,50,000 का टैंकर एक संस्था से खरीदा गया, जो कि मात्र 2.5 लाख रुपए में बन जाता है। इस तरह की अनेक अनियमितताएं नगर पालिका में की जा रही है और हम सभासदों की एक भी नहीं सुनी जा रही है। पालिका अध्यक्ष सिर्फ अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। नव भारत समाचार, गदरपुर उत्तराखंड से विप्लव कुमार। विरोध चेयरमैन के खिलाफ ये है, चेयरमैन मनमानी करता आ रहा है अपनी जब से नगर पालिका बनी है। पहली बात तो पूरी जब से नगर पालिका बनी है, नगर पालिका नया बोर्ड बना है, केवल 4 बोर्ड की बैठकें हुई हैं, बोर्ड की बैठक ही नहीं कराना चाहता ये। इतना भ्रष्ट है ये, चाहता है मैं ही मनमानी से सारी नगर पालिका बेच के खा जाऊं, ये चाहता है ये। और आज हमारे द्वारा जो प्रस्ताव रखे गए वो बोर्ड की बैठक में नहीं लाए गए और चेयरमैन उठ के भाग गया वहाँ से। हमारा ये विरोध है कि हम इस चेयरमैन को जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए। सर्दी मेरे ख्याल से हम पीछे बोर्ड में नहीं समा सकते, ऐसी गुंडागर्दी मैंने आज तक नहीं देखी। तो हम ये चाहते हैं शहर का विकास होना चाहिए, लेकिन चेयरमैन जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। जितनी रोडें जिनके ठेकेदारों द्वारा बनाई गई हैं, खासकर आयुष कॉन्ट्रैक्टर, उन सब रोडों की जाँच हो। हमने SDM साहब और DM साहब को भी इसकी मांग करी है, उनकी जाँच हो जाएगी तो दूर का दूर।